जी, तो जिस तरह एक वायरस के लिए कहा जा रहा है और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक बार अगर ये आ गया तो ये कहीं नहीं जाने वाला, हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। तो क्या अगले 2-3 महीने, लेकिन जिस तरह कह रहे हैं कि अब जो तीसरी वेव है भारत में वो रिसीड कर रही है, ढलान पर है, कम हो रही है, केसेस पहले से कम हुए हैं, तो ऐसे में क्या अभी और 2-3 महीने हमें ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल, इनफैक्ट 2-3 महीने नहीं, अगले मिनिमम 1 साल तक हमें सावधानी रखनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि ये एक वैश्विक महामारी है, जब तक पूरी दुनिया से कंट्रोल नहीं हो जाता, पूरी दुनिया में एक तरह से हम कह सकते कि ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम नहीं जाते, या वायरस म्यूटेट होकर बिल्कुल कमजोर होकर खुद से ही खत्म नहीं हो जाता, हम अभी अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकते हैं। डेफिनेटली इस वे में हमने देखा कि जो लोग जो इन्फेक्ट भी हुए वो बहुत ज्यादा गंभीर बीमार नहीं पड़े। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद वायरस ही कमजोर हो गया है, लेकिन हमारा मानना है कि वायरस भले कमजोर हुआ या ना हुआ हो, लेकिन जो वैक्सीनेशन, जो हमारे देश में जो वैक्सीनेशन रेट काफी ज्यादा था, और जो पहले लोग इन्फेक्ट डेल्टा और उससे पहले वाले वेव में हुए थे, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स उनका जो डेवलप हुआ था उसके सहारे इस वेव को हमने निकाल दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने हमेशा कहा है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से हो या वैक्सीनेशन से हो, समय के साथ कम हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अगर हमें केसेज अभी कम दिख रहे हैं तो लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस अभी भी हमारे सोसाइटी में सर्कुलेट कर रहा है, और जैसे अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा ये दोबारा आपको परेशान कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक कि वायरस पे हम विजय पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर लेते, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक जो है कोविड अप्रोप्रिएट नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और मैं इनफैक्ट अगले 2-3 महीने नहीं, मैं कहूंगा कि मिनिमम 1 साल तक हमें सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है।